जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बुलेट सीरीज में 27 एवं 28 फरवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी जल्दी से जुड़ें, सभी लोग जल्दी से जुड़ें। आपके लिए डेली सुबह के 6 बजे डेली करेंट अफेयर सीरीज, शाम के स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है आपके एग्जाम के लेकर। तो आप सभी समय से जुड़ें, सभी लोग जल्दी से जुड़ें, लिंक शेयर करें, सभी लोग लिंक शेयर करें। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें, सभी लोग क्लास को लाइक शेयर करें, सभी लोग लिंक शेयर करें, जल्दी से जुड़ें, सभी लोग समय से जुड़ें। जितने लोग क्लास को फॉलो करते हैं सभी लोग समय से जुड़ें, ताकि डेली की तरह आज भी आप 10 करेंट अफेयर्स देखें और इस तरह से आप डेली करेंट अफेयर्स से अपडेट रहे, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना हो और इस तरह से आप सभी फॉलो करते रहें। सभी लोग फॉलो करें। आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज आ रहा है 5 फरवरी से, सभी लोग उस टेस्ट सीरीज में जुड़ेंगे। आपका पूरा शेड्यूल जो है वो कम्युनिटी टेस्ट में पोस्ट किया गया है, आप सभी उसे देख सकते हैं और उसके अनुसार आप पीछे के जितने वीडियो हैं सभी को देखकर आप जो है वो टेस्ट में बेहतर कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग समय से क्लास को फॉलो करते रहेंगे। और आइए, सभी लोग रेडी होंगे, सभी लोग रेडी हैं तो मैं क्वेश्चन लेकर आपके लिए आ रहा हूँ। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का एक नंबर, कि महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो अभी हाल ही में आप देखिए कि महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें भारत सेमीफाइनल में हारा। तो इस तरह से T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता, आप सभी इसका आंसर करेंगे। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। ऑप्शन है एक नंबर दक्षिण अफ्रीका, सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड भारत और फोर्थ है इंग्लैंड। तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता, आप सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार विजेता बना और दक्षिण अफ्रीका उप विजेता बना है। तो विजेता ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका उप विजेता बना, ध्यान रखना है। और इस बार ऑस्ट्रेलिया कुल 6ठी बार T20 वर्ल्ड कप विजेता बना है। 7 बार ये फाइनल ऑस्ट्रेलिया, 7 बार ऑस्ट्रेलिया महिला टीम 7 बार ये फाइनल में पहुंची है और इस तरह से 6 बार विजेता बना और 1 बार उप विजेता। और इस बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है, तो ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी है। तो इस बार जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज वर्ल्ड कप 2023 में कौन बनी है, आप सभी को आंसर करना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक नंबर ऑप्शन है एस्ले गार्डनर, सेकेंड है एस्ले बार्टी, थर्ड है बेथ मुनी और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी है, आप सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी। सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर एस्ले गार्डनर। एस्ले गार्डनर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रहे कि प्लेयर ऑफ द सीरीज एस्ले गार्डनर बनी और आप जो है वो विजेता अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ। तो 2-3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है महिला T20 वर्ल्ड कप से, तो आप सभी ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शन है एक नंबर भारत, सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड दक्षिण अफ्रीका और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन हुआ दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ और दक्षिण अफ्रीका टीम इस बार का उप विजेता रहा, जबकि विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का 4 नंबर क्वेश्चन है कि महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बना है। तो सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बना है, आप सभी को आंसर करना है।
कि महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी। ऑप्शन है आपका, एक नंबर में शबनम इस्माइल, सेकेंड है आन्या, थर्ड है पूनम यादव और फोर्थ है नीडा डार। तो महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी, आप सभी को आंसर करना है। सभी लोग इसका आंसर करें कि महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी लोग इसका आंसर करें, आप सभी इसका आंसर करें कि सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर शबनम इस्माइल। शबनम इस्माइल जो है वो सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है। तो ध्यान रहे कि महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी शबनम इस्माइल बनी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक नंबर। तो ध्यान रहे अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 के लिए मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, आप सभी लोग आंसर करेंगे। एक नंबर है आथेर सी क्लार्क, सेकेंड है हरि बाल कृष्णन, थर्ड है राज रेड्डी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, सभी लोग इसका आंसर करें। आप सभी आंसर करें कि 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो ध्यान रहे वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आप सभी इसका आंसर करें, मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हरि बाल कृष्णन। हरि बाल कृष्णन को मार्कोनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना है। अगला है, अगला आपके लिए है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा, अपने कदमों पे विश्वास रखना होगा, तभी जाकर आप अपने मंजिल को हासिल करेंगे। तो अगर आपको अपने मंजिल पर पहुंचना है तो उसके लिए अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखना होगा, अपने आप पे विश्वास रखना होगा और आपको कठिन मेहनत करना होगा, कठिन संघर्ष करना होगा, तब जाकर आपको मंजिल हासिल होगी। तो इस तरह से आप सभी जरूर इस लाइन को फॉलो करें, ताकि आप ऐसा करेंगे तो एग्जाम में आप बेहतर करेंगे और आप अपने फ्यूचर को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए ज़रूर आप सभी इसे फॉलो करते रहें और इस तरह से आप सभी जो है वो मेहनत करें, ताकि आप काफ़ी आगे बढ़ चलें। तो इस तरह से आप सभी ज़रूर इसे फॉलो करते चलें। और आइए इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं कि हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है। तो हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है, आप सभी लोग आंसर करें। कतर हाल ही में जो है वो कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता। ऑप्शन है एक नंबर डेनियल मेदवेदेव, सेकेंड है एंडी मरे, थर्ड है नोवाक जोकोविच और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता, तो सभी लोग आंसर करें कि कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता। तो इसका आंसर करें आप सभी लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल का खिताब हासिल किया है। तो ध्यान रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में हाल ही में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ से जो है वो किस राज्य में किया है। तो शिवमोगा हवाई अड्डा आप सभी आंसर करें। ऑप्शन आपके सामने है गुजरात, सेकेंड है केरल, थर्ड कर्नाटक और फोर्थ है नागालैंड। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में हाल ही में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो सभी लोग आंसर करें, शिवमोगा हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत के किस राज्य से किया गया, तो आप सभी आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा सी नंबर कर्नाटक। कर्नाटक में जो है वो शिवमोगा हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य से किया। तो राष्ट्रपति अभी हमारे देश के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, और ये 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया। ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड है केरल, थर्ड कर्नाटक और फोर्थ है नागालैंड।
तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य से किया? तो सभी लोग इसका आंसर करें, आप सभी आंसर करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो आप सभी आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर राजस्थान, यानी कि इसका उद्घाटन राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। तो ध्यान रहे कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो राजस्थान से किया गया है, ध्यान रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में जो है वो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स जारी किया गया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, तो इसमें भारत की रैंक क्या है आप सभी को आंसर करना है। भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है एक नंबर 40, सेकेंड है 41, थर्ड है आपका 42 और फोर्थ है आपका 45। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि जो है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करें कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि भारत का स्थान 40 है। ये ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत का स्थान जो 42 है, वही आपका फर्स्ट पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, और इस तरह से आपका भारत 42वां स्थान पे। तो पहला और भारत ध्यान रखेंगे, पहला पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का स्थान 42वां है, तो ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज के काफ़ी महत्वपूर्ण 9 क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ये 9 क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, और मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी डेली करेंट अफेयर्स को समय से फॉलो करें, समय से आप सभी जरूर जुड़े, सुबह हो या शाम हो, और उसके बाद वीकली में आप और करेंट को बेहतर करें, दोहराएं, और तभी जाकर आप जो है देखें कि आपका टेस्ट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहेगा, और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो उससे भी ज़बरदस्त फॉर्म रहिएगा और आप एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। तो आप सभी जरूर इस तरह से क्लास को फॉलो करें और देखिएगा आपका एग्जाम काफ़ी बेहतर जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कठिन मेहनत की ज़रूरत है। आप सुबह उठे और क्लास ज्वाइन करें, शाम को जुड़े, देखिएगा तैयारी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही है कि आपको मेहनत करना होगा। आइए हम लोग देखते हैं सवाल हमारा जवाब आपका में, सवाल हमारा जवाब आपका में पिछला दिन का क्वेश्चन था आप सभी के लिए कि जो है वो अभी WPL में WPL के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया? ऑप्शन था टाटा ग्रुप, सेकेंड था जियो, थर्ड था मास्टर कार्ड और फोर्थ था ड्रीम इलेवन। तो टाटा ने ये टाइटल स्पॉन्सर ग्रुप में टाटा ग्रुप को चुना गया, यानी कि इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा टाटा ग्रुप। और आज के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन है कि जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना? आप सभी लोग इसका आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? इसका आंसर आज के लिए आपके लिए, तो आप सभी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर करेंगे। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शाम में, भारत के भूगोल के साथ, भारत के भूगोल आज सीरीज हम लोग 2 देखेंगे शाम में। तो सभी लोग शाम में जरूर जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें, आप पीछे के सारे वीडियो देखें ताकि आप टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करें। आपके लिए बहुत मेहनत करके मैं टेस्ट सीरीज ला रहा हूं ताकि आप एग्जाम में बेहतर करें और अपने तैयारी को रिकॉल करते रहें। तो आप सभी सीरियस हो जाएं और उस अनुसार सारे पीछे की वीडियो देखें ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी के बीच आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।